Hey माहौल जब शानदार आई होप सी एनल इंडर टेक्स नवंबर टू तैयार है माहौल चल चल रहा है और आपके चल है और इनमें पढ़ाई बहुत ही जोरदार रही सर, जिनकी भी 2022 में है। अभी तो उनकी पढ़ाई फुल स्विंग में चल रही होगी आई होप सर थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा होगा थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस लगती होगी बीच में पर कठिनाइयों में सर, ये जो टफ एग्जाम है इसमें अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करी और पूरी अपनी मेहनत का डाली मिलिटरी कर, कर रहा सर जो मेरा एक्सपीरियंस है ये आपकी पढ़ाई का वन ऑफ द बेस्ट टाइम चल रहा है और ये टाइम जिंदगी भर आपको याद रहने वाला है इस तरह से पढ़ाई करो कि जब भी ये टाइम आपको याद आए आप आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाए एंड सर आप अपने आप में खुश रहे खुश मतलब अपने आप को खुश महसूस करें जब भी इस टाइम को याद रखे इसलिए पूरा माहौल बना दो पूरी एनर्जी लगा दो एंड सर सी फाइनल इंड टेक्स रिविजन टेस्ट पेपर ईसीआई ने जो इश्यू किया है फॉर नवंबर 2022 वी आर गोइंग टू डिस्कस द आरटीपी इन दिस लेक्चर ओके तो शुरू करते हैं सर आरटीपी सरकार पर हां आरटीपी शुरू करने से पहले एक बात और इस बार मुझे ये आरटीपी जब मैंने देखा तब कुछ जगह पे मुझे कुछ डिस्क्रिपेंसी डिस्क्रिपिनसी मिली विच आर ह्यूमन एरर्स वी कैन से कुछ इंटरप्रेशन के इश्यू हो सकते हैं सर पर यस वो कुछ एरर्स है हम आराम से बात करेंगे डिस्कस करेंगे पर सर आपका अल्टीमेट कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ओके तो सर सबसे पहली बात दिस आरटीपी इज फॉर नवंबर 2022 एग्जाम्स और आपको पता है एस्प पर द पॉलिसी ऑफ द आईसीआई ऑल अमेंडमेंट्स व्हिच आर मेड इफेक्टिव सिक्स मंथ प्राय टू द मंथ ऑफ द एग्जाम्स आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स इसलिए आरटीपी के अंदर फर्स्ट पेज पे ये देता है कि जो भी अमेंडमेंट्स आपके 30 अप्रैल 2022 तक एप्लीकेबल हो गए इफेक्टिव हो गए इंप्लीमेंट हो गए आर फॉर योर एग्जाम्स, ओके? और सर जो भी रेट ऑफ टैक्स के बारे में इन क्वेश्चन में नहीं आता है क्लियर इसलिए आइए सरकार हम शुरू करते हैं आर ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देगी जो मैंने ब्रीफ में आपको समझाया आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम जो केस स्टडी बेस एमसीक्यू होता है सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ट्रेंट लिमिटेड a supplier of water purifier is a company registered with the jurisdictional gst authorities at its principal place of business in mumbai maharashtra mahul trent limited has approached abc india llp a mumbai based event management company registered under gst to undertake following activities in relation to organization of an event

जो एबीसी इंडिया से बात करी वो क्या बात करी है सर फर्स्ट अरेंजमेंट ऑफ अकोमोडेशन सर्विसेज इन होटल इन उदयपुर राजस्थान अरेंज करेंगे इवेंट उनको मोमेंटोज सेवन ईयर देने के लिए अरेंजमेंट भी इन्हीं को करना है ओके अब ट्रेंट लिमिटेड अग्रीड टू पे ऑफ रूपीज थ्री करोड एक्सक्लूडिंग जीएसटी

ड्रीम होटल्स मतलब आप आइए और सपने देखिए सर उनको क्या पता जो सीए स्टूडेंट होते हैं वो तो सपने हम दिन में भी देख लेते हैं सर क्या बात कर रहे हैं हम जब पढ़ाई करते हैं सर हमारे सामने सपना होता है सपने की वजह से हम पढ़ाई कर पाते हैं तो सर नाम भी यही है सपना होटल सपना नहीं हो ड्रीम होटल्स सर होटल बेस इन उदयपुर फॉर दफोर्सेड इवेंट टू बी ऑर्गेनाइज फॉर एम्प्लॉइज ऑफ ट्रेंट लिमिटेड ओके सर ड्रीम होटल्स हैज एग्रीड टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू एबीसी इंडिया एल एल पी विच इंक्लूड्स अकोमोडेशन एंड अदर एंसिलरी सर्विसेज

वेल नोन गिफ्ट शॉप बेस्ड इन उदयपुर राजस्थान फॉर परचेज ऑफ सोवन ईयर फॉर द्लॉज ऑफ ट्रेंट लिमिटेड वॉज अग्रीड सोवेन ईयर वुड बी परचेज बाई एबीसी इंडिया एल एल पी फ्रॉम हैप्पी गिफ्ट हाउस एट अंसिडरेशन ऑफ रूपीज ट्वेंटी लैक एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी आर सी जीएसटी नाइन परसेंट एस जी एस टी नाइन परसेंट एंड आई जी एस टी इज एटीन परसेंट ठीक है साहब तो सोवन ईयर परचेज करेगा सर राजस्थान उदयपुर की जो शॉप है शॉप का नाम है हैप्पी गिफ्ट लो हैप्पी हो जाओ मस्त रहो सर उनसे ये गिफ्ट लेंगे एंड गिफ्ट की वैल्यू कितनी ट्वेंटी लाख रुपी ओके okay, ध्यान देना बेटा अब भले ही शॉप राजस्थान की है पर जो खरीद रहा है एबीसी इंडिया एल रेसिपिएंट इज़ रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र मुंबई क्लियर सर तो ध्यान देना भले ही वो गुड्स डिलीवर उदयपुर से उदयपुर में ही कर रहा हो पर फिर भी प्लेस ऑफ सप्लाई रेसीपेंट का लोकेशन होता है जो रेसीपेंट का लोकेशन क्या महाराष्ट्र क्लियर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ दी रेसीपेंट इज महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा महाराष्ट्र होगा लगेगा इस केस में क्लियर बात करेंगे आगे जाके और हम जब इसका रिलेवेंट क्वेश्चन आएगा तब दी अफोर्स अमाउंट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग द सेवन एंड कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग द सेम एट द इवेंट लोकेशन इवेंट लोकेशन क्या बेटा ड्रीम होटल्स उदयपुर ओके तो बीस लाख का जो अमाउंट फाइनल किया है दट इज अंपोजिटिट सप्लाई ऑफ पैकेजिंग एज वेल एड डिल सेम इट्स अंपोजिट सय और आपको बताया ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गिफ्टिंग जो होती है वो पैकेजिंग प्लस डिलीवरी के साथ होती है तो ऐसे के इसमें कोई दिक्कत नहीं सर प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगा गिफ्ट सप्लाई करना सेल ऑफ गुड्स इज द प्रिंसिपल एलिमेंट तो पूरा बीस लाख जो है सेल ऑफ गुड्स में जाएगा बीस लाख पर जीएसट लगेगा सर ओके सर द एंटायर कंसिडरेशन इज टेबल बायीसी इंडिया एल एल पी टू गिव टू हैप्पी गिफ्ट हाउस टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ दी सोवनियर्स ऑन जुलाई ट्वेंटी फर्स्ट इट से इक्कीस जुलाई को ही पेमेंट करना है भाई साहब ठीक है कर देंगे सर कोई दिक्कत नहीं है इन दी मंथ ऑगस्ट ट्रेंट लिमिटेड इट्स एम्प्लॉयर प्योरिफायर भाई ट्रेंड लिमिटेड मैन्युफैक्चर वोटर प्यरीफायर का इसने अपने एक सौ पचास एम्प्लॉय को वॉटर प्यूरिफायर गिफ्ट में दिए सर इन टर्म्स ऑफ दियर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट द टोटल ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्यूरिफायर इज फिफ्टी टू लैक फिफ्टी थाउजेंड ओके एक्सक्लूडिंग जीएसटी ऑल वॉटर प्योरिफायर बी द सेम कॉस्ट बच्चों पता है आपको पता है अगर आपने एम्प्लॉयज को कोई गिफ्ट सप्लाई किया है तो ऐसे केस में वो सप्लाई के स्कोप में आएगा क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या होते हैं रिलेटिव होते हैं ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन आपने सप्लाई किया फिर भी सप्लाई के स्कोप में आएंगे पर शेड्यूल वन सरकार वहां पर एक एक्सेप्शन दे रखा है सर शेड्यूल पेर नंबर टू है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पर वहां पे लिखा है क्या पर एन एम पर एम्प्लॉय अगर फिफ्टी थाउजेंड रुपी तक तो का गिफ्ट दिया तो सप्लाई ही नहीं होगा तो सर फिफ्टी टू लैक फिफ्टी थाउजेंड के जो टोटल इन्होंने वैल्यू वाला गिफ्ट दिए है उसको डिवाइड करिए वन फिफ्टी से आएगा कितना थर्टी फाइव थाउजेंड पर एन एम पर एम्प्लॉय तो सर एनीवेज़ वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आने वाला है सर पढ़ते जाइए इसलिए सर क्या है प्रोविजन आपको बहुत अच्छे से आना जरूरी है प्रोविजन पता है आपको क्लिक होना बहुत जरूरी है सर <clears throat> आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो प्रोविजन क्लिक अगर हो रहे हैं, तो जब आप क्वेश्चन आके सोल्व करेंगे स्टडी वाला आपको टेंशन नहीं आएगी सरकार ट्रेंट लिमिटेड एंड एबीसी इंडिया लिमिटेड एल एल पी आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान ये राजस्थान में रजिस्टर्ड नहीं है महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है इज नो अदर सप्लाई और प्रोक्योरमेंट अपार्ट फ्रॉम रि� उस इज मैं जुलाई फॉर एबीसी एल एल पी इन दोनों के अलावा किसी और कुछ परचेज नहीं किया मेरा मालिक द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द इनपुट टैक्स ट्रेंट लिमिटेड एंड एबीसी एल एल पी फॉर द रिलेवन टेक्सल जीरो ऑल दी अब एक्सक्लूसिव जीएसटीबल ओके मालिक बेस्ट ऑन दैक्ट ऑफ दस इन गिवन अब चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द्वेशन नंबर वन टू फाइव बिलो ओके अब जो हमने केस स्टडी पढ़ लिया है उसके बेस पे हमको ये आंसर देने हैं फर्स्ट सर इन केस ऑफ सप्लाई दी सोवनियस बाय हैप्पी गिफ्ट हाउस टू एबीसी इंडिया एल एल पी द्लेस एंड वैल्यू सप्लाई आर भाइयो हैपी गिफ्ट हाउस ने गिफ्ट सप्लाई किए है इंडिया एबीसी uh, इंडिया एल एल पी को एबीसी इंडिया एल में आपको कर देता हूँ एबीसी इंडिया एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिसे ने बात करी है देंगे प्लस जीएसटी थ्री करोड़ प्लस जीएसटी पर उसमें आपको होटल अकोमोडेशन भी आपको करना है एंड वहां पर जो हम हमारे एम्प्लॉय गिफ्ट देंगे वो गिफ्ट भी आपको अरेज करने ओके डन okay, अब सर एबीसी इंडिया लिमिटेड ने उदयपुर के जो होटल था ड्रीम होटल्स उनसे बात करिए बुकिंग करा दी सब 1.5 करोड़ प्लस जीएसटी उनको देंगे प्लस सर उदयपुर के ही एक और हैप्पी गिफ्ट हाउस उससे 20 लाख ,00 के गिफ्ट परचेज कर लिए अब 20 लाख ,00 का जो गिफ्ट है दिस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस एप्लीकेबल जीएसटी जो दे रखा था रेट ऊपर नाइन परसेंट नाइन परसेंट और एटीन परसेंट आई जीएसटी अगर है तो क्लियर अब सर दिस बीस लाख रूपये इज इंक्लूसिव ऑफ सर चार्जेस फॉर पैकेजिंग एंड चार्जेस फॉर डिलीवरी टू दी लोकेशन ऑफ होटल ओके okay, पर सर ये आपसे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं इट्स अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ सप्लाई ऑफ गिफ्ट अलोंग द पैकेजिंग एंड डिलीवरी सर और ये प्रिंसिपल एलिमेंट इसके अंदर क्या होगा मालिक सर ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ गिफ्ट तो सर पूरा बीस लाख इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई पहली बात तो ये तो सर द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ट्वेंटी लैक्स सेकेंड थिंग आता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर बेचने वाला कौन हैप्पी गिफ्ट हाउस खरीदने वाला कौन ABC India LLP इंडिया अब भले ही सर ABC India LLP इंडिया ने उदयपुर में ही डिलीवरी ली है एट प्लेस ऑफ दी होटल पर फिर भी रेसिपेंट जो ABC India LLP इंडिया है वो रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में इसलिए सर इसमें ध्यान दीजिएगा भले ही कस्टमर जैसे कस्टमर ABC India LLP इंडिया एल इसकी डायरेक्शन पे गुड्स डिलीवर किया है कहाँ पर होटल पे ड्रीम होटल पे पर सर बिल टू बनेगा कहा के लिए सर कस्टमर के नाम पर कस्टमर कहा का है महाराष्ट्र का उसका जेष नंबर कहां का है महाराष्ट्र का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ एबीसी इंडिया लिमिटेड इसलिए मुंबई महाराष्ट्र इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई ऑफ गिफ्ट तो सर महाराष्ट्र इज द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड ट्वेंटी लेक इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई क्लियर इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर और सर इसी के साथ आप बन गए क्या करोड़पति माहौल के साथ आइए क्वेश्चन नंबर टू द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर होटल अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ड्रीम होटल्स टू एबीसी इंडिया एल भाई होटल अकोमोडेशन सर्विस के लिए तो हमेशा ही जहां होटल लोकेटेड होता है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है तो सर राजस्थान इज द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड नेचर ऑफ़ सप्लाई इज़ सर सप्लायर भी राजस्थान का प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान सर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा इसलिए राजस्थान और इंट्रा स्टेट सप्लाई लाइबल टू सी जी एस टी एंड ए सी एस टी डी इज द करेक्ट आंसर माहौल के साथ सर आइए

सरकार सबसे पहली बात ये कि ये सर्विसेज थ्री करोड़ का आउटपुट सप्लाई है तो फिफ्टी लेख लाइब्रेडी जून में पाएगी क्योंकि सर केस ऑफ सर्विसेज एडवांस अगर आया तो टाइम ऑफ सप्लाई जून महीने में आएगा जून महीने में पे करनी तो इस महीने में तो इसको जुलाई मंथ में लाइब्रेडी आएगी भाई साहब दैट विल बी ओनली एन ओनली ऑन रूपीज सर टू पॉइंट फाइव करोड अब टू पॉइंट फाइव करोड इवेंट मैनेजमेंट वाली सर्विस है उस पर रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा सबसे पहली बात मैं आपको बताता तो हूं बेटा इवेंट भले ही हो रहा है उदयपुर राजस्थान में पर आपको बताए सर प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी एक्ट सेक्शन नंबर ट्वेल्व वहां क्लियरली लिखा हुआ है सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन सेवन में कि इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज में इन केस ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट अगर रेसिपेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रेसिपेंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बात खत्म

मुंबई महाराष्ट्र इसलिए सप्लायर भी महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र सर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई जीएसटी और सीजीएसटी एस जीएसटी की लाइब्रिटी आएगी भले इवेंट का हो रहा है उदयपुर में हो रहा है कोई कंसर्न नहीं है तो सर देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा रेट रहा है सिक्स सॉरी नाइन परसेंट सी जी एस टी नाइन परसेंट एस जीएसटी और अगर इंटरेस्टेड होता तो एटीन परसेंट आई जी एस टी पर सर हमारा तो सी और एस का लाइब्रिटी आएगा तो नाइन परसेंट सी जी एस टी और नाइन परसेंट एस जी एस टी की लाइब्रिटी आएगी सर तो सरकार सबसे पहली बात हम जब लाइब्रेडी कैलकुलेट कर रहे हैं तो सर सी जीएसटी का लाइब्रेडी और एस जीएसटी का लाइब्रेडी और पतला पेन लेते हम सर थोड़ा सा अभी ठीक है सर अब सी का लाइबिटी कितना आएगा सर इंटू नाइन परसेंट कर लीजिए सर आप हाँ जी टू पॉइंट फाइव करोड़ इंटू नाइन परसेंट सर कितना आएगा ट्वेंटी टू लैक्स फिफ्टी टू थाउजेंड सर ये हो गया सी का लाइब्री एस का लाइब्री सेम ट्वेंटी और एस का लाइब्रेडी ट्वेंटी टू लैकेंड ये ग्रॉस लाइब्रेड अब सर हमसे पूछा है नेट जीएसटी पेबल इन कैश कितना है कितना आपको टैक्स पे करना है इन कैश तो सर इसका आईटीसी भी आपको लेस करना पड़ेगा अगर है तो क्या कोई आईटीसी है क्या भाई साहब सर सबसे पहली बात होटल अकोमोडेशन देखो इसके खर्चे दो ही बताया एक तो गिफ्ट वाला खर्चा और सी जी एस टी और एस जी एस टी लगाया राजस्थान का और ये रजिस्टर्ड काटल बिल, बिल पे जो टैक्स लगाया वो सी जी एस टी और एस जी एस टी लगाया राजस्थान का प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान है सर एक रुपए का भी आई टी सी नहीं मिलेगा क्लियर पर सर जो गिफ्टिंग वाला सर्विस था गिफ्टिंग जो गिफ्ट किया गुड्स सर वो था ट्वेंटी लैख का और ट्वेंटी लैख पे लाइवी आएगी एस जी एस टी सॉरी आई जी एस टी की इंटरसिट सप्लाई हम ऑलरेडी बात कर चुके रेट ऑफ टैक्स देखिए सर यहां दे रखा है एटीन परसेंट इज द इन केस ऑफ सर गिफ्ट 20 लाख इज द वैल्यू जो हम बात ऑलरेडी कर चुके रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है कितना 18 परसेंट सर तो ऐसे केस में 18 परसेंट इन ट्वेंटी लैख कितना होता भाई थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड इज द आई टी सी ऑफ आई जी एस टी क्लियर अब आई जी एस टी का आई टी सी होगा कितने का थ्री लैख सिक्सेंड का ओके okay, सर अब थ्री सिक्सटी सबसे पहली बात यहां पे लिया है क्या अच्छा और कोई आईटीसी क्या कोई आई टी सी नहीं है सर क्योंकि कुछ और परचेज नहीं था कोई ओपनिंग बैलेंस ऑफ आई टी सी नहीं है कुछ और प्रोक्योरमेंट भी नहीं ABC, India, LLP, है सर एबीसी इंडिया एल एल पी यहां पर लिखा है विशेष टू कीप इट्स सी जी एस टी लाइवी एट अमम सी जी एस टी लाइब्रेडी मिनिमम रखना है सर तो ये जो आई जी एस टी का आई टी सी है वो पूरा यूज कर लो कहां पर सी जी एस टी के लिए अब पूरा यूज करेंगे अगर सी जीएसटी के लिए तो सर थ्री लैख सिक्सेंड आई टीसी यहां काम आ गया तो बच कितना गया भाई सर ये लो ये लो सर एटीन लैख नाइनटी थाउजेंड इज द लाइब्रेड ऑफ सी जी एस टी एंड सेम यहाँ पर लाइब्रेरी सेम रहेगी ट्वेंटी टू लैक फिफ्टी थाउजेंड और आईजीएसटी का लाइब्रेरी कुछ है ही नहीं तो उसका जीरो रहेगा तो सर एटीन नाइनटी इज द लाइब्री ऑफ सी जीएसटी ट्वेंटी टू फिफ्टी इज द लाइब्रे ऑफ एस जी एस टी ऑफ आई इसी के साथ ए इज द करेक्ट आंसर और आप बन गए क्या करोड़पति सर क्लियर सरकार आई होप आपको बात समझ में आ रही है बच्चों क्लियर अच्छा टू पॉइंट फाइव करोड़ क्यों किया बेटा क्योंकि 50 आपको एडवांस में रिसीव हो गया था जून महीने में उसकी लाइब्रेडी जून मंथ में आएगी यहां पूछा जुलाई महीने का लाइब्रेड कितना है ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम्स के अंदर जहां पर गलती होने के चांस होते हैं सर क्वेश्चंस बहुत टफ कई बार नहीं होते पर क्या होता है हम छोटी छोटी मिस्टेक करके आए थे जिसकी वजह से एग्जाम में मामला आउट सर बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते द फिनेंस टीम बहुत अच्छा पॉइंट है सर सर दिस इज वेरी वेरी गुड पॉइंट सुनना बात जान से फिनेंस टीम इज एक्सप्लोरिंग द फिजिबिलिटी ऑफ गेटिंग एबीसी इंडिया एलएलपी रजिस्टर्ड एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान विथ इफेक्ट फ्रॉम ट्वेंटी जून

द इनवॉइस बाय ड्रीम होटल्स एंड हैप्पी गिफ्ट हाउस विल बी इश्यू टू एबीसी इंडिया एल पी एडिट्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर इन राजस्थान भाई अब जो होटल वाले भैया हमारे ड्रीम होटल्स जो सपने दिखाते लोगों को सर और गिफ्ट वाले हैप्पी गिफ्ट हाउस जो लोगों को खुश करते थे सर ये लोग बिल लिखेंगे किसको कैजुअल टैक्स पर्सन जो राजस्थान में है और आपको बताए सर राजस्थान से राजस्थान में अगर बिल लिखा है तो सी एस और एसिस्ट लगाएंगे बिल पे क्लियर होटल अकोमोडेशन केस में एनिवे सी जी और एसिस्ट लग रहा था अब राजस्थान का सी और एस लग रहा था और राजस्थान का ही कैजुअल टेक्सल पर्सन है तो उसको आईटीसी मिल जाएगा सर एंड गिफ्ट हाउस गिफ्ट हाउस डिलीवरी दे रहा राजस्थान में और सर वो कस्टमर को जो बिल लिख रहा है जो हैप्पी गिफ्ट हाउस है वो बिल लिख रहा है किसको सर एबीसी इंडिया एल एल पी कैजल टेक्सबल पर्सन इन दस्थान इट सेल्फ तो वो बिल पे भी क्या लगाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी जिसका आईटीसी बिल्कुल मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी सर अब ऐसे केस में सर यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है द एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एबीसी इंडिया एल इन द मंथ ऑफ जून टू बी पेड इन एडवांस एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान वुड बी सर आपको बताया कैजुअल टेक्सबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन कराते वक्त एस्टिमेटेड टैक्स लाइविटी एडवांस में पे करना पड़ता है क्लियर अच्छा दो बातें मैं आपको समझा देता हूं पहली बात तो यह कैजुअल टैक्स पर्सन को अगर आईटीसी एलिजिबल है तो आईटीसी ले सकता है नॉन रेजिडेंट टैक्स पर्सन अगर होता एनआरटीपी उसको कोई आईटीसी नहीं मिलता है एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड हिम क्लियर अदरवाइज सर एनआरटीपी को कोई आई को कोई आई को नहीं मिलता है पर कैजुअल टैक्स पर्सन का कोई रेस्ट्रिक्शन इस तरह का नहीं वो पूरा आई ले वो देश का आदमी भाई कोई दिक्कत नहीं है सर सेकंड थिंग जब एस्टिमेटेड टैक्स लाइब्रेडी इसको पे करना होता है सर्कुलर हमने पढ़ा हुआ है भाई साहब कि एस्टिमेटेड टैक्स लाइब्रेडी जो पे करनी होती है वो ग्रॉस लाइब्री नहीं एस्टिमेटेड नेट टैक्स लाइब्रेडी ही पे करना है आफ्टर कंसिडरिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल क्लियर क्योंकि कैजुअल टैक्स पर्सन को आईटीसी मिलता है भाई क्लियर तो सर सबसे पहली बात सर अब जब एबीसी इंडिया एलएलपी एज ए कैजुअल टैक्स पर्सन रजिस्टर्ड इन राजस्थान बिल लिखेगा किसको इवेंट मैनेजमेंट इवेंट मैनेजमेंट सर्विस का बिल लिखेगा किसको ट्रेंट लिमिटेड को जो मुंबई महाराष्ट्र में है। और आपको बता रेसिपेंट अगर रजिस्टर्ड है तो का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई तो सर रेसिपेंट का लोकेशन इज द महाराष्ट्र का लोकेशन इज is तो राजस्थान क्योंकि राजस्थान इज द सप्लायर का लोकेशन राजस्थान प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है महाराष्ट्र इंटर स्टेट सप्लाई क्या लगेगा भाई आई तो पूरे सर तीन करोड़ पे लाइबिटी आएगी किसकी एटीन परसेंट आई की तो सर थ्री करोड़ इंटू एटीन परसेंट कितना होता भाई ओ क्या सोच रहे हो फिफ्टी फोर लैक्स ये लाइबिटी किसका आई का, का. क्लियर लेस करने का क्या आईटीसी अब आईटीसी जो है वो होटल वाले बिल का भी मिलने वाला है और गिफ्टिंग का भी मिलने वाला है यहाँ इसने स्मार्टनेस दिखाई दिस इज व्हाट इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग आप अगर ऐसे कैजुअल टैक्स पर्सन राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करा देते हो और राजस्थान का ही होटल का बिल था तो सी और एस का आपको क्रेडिट मिल जाएगा क्लियर अब सर होटल का बिल वन करोड़ का था आप देखिए सर होटल पे रेट ऑफ टैक्स दे रखा 14 परसेंट सी जी एस टी फोर्टीन परसेंट एस जी एस 1.5 करोड़ सी जी एस टी 14% एस जी एस टी होता है कितना ट्वेंटी का फोर्टीन परसेंट कितना होगा ट्वेंटी सी जी एस टी ट्वेंटी वन लाख हो गया क्या एस जी एस टी तो सर आप डाय कर लीजिए ना इंटू टू कर लीजिए तो एक तरह से फोर्टी टू लेख का आई टी सी हो गया होटल पे सी प्लस एस मिलाकर क्लियर एंड सर गिफ्टिंग बीस लाख का जो वैल्यू था उस पर सर सी जी एस टी और एस लगाएंगे सर नाइन नाइन परसेंट दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर लो तीन लाख साठ हजार आने वाला है सर सर तो सीजीएसटी हो या एस जी एस टी हो दोनों को क्रेड मिलता है एस टी पे करने में तो थ्री सिक्सटी प्लस फोर्टी टू लेख टोटल आई हो गया फोर्टी फाइव लैख सिक्सटी एंड सर लाइब्रेड कितने का फिफ्टी फोर का अब सर माइनस करेंगे तो आएगा क्या एट लैख फोर्टी थाउजेंड सर आठ लाख चालीस हजार लाइब्रेडी आ रहा है इसका किस चीज का आईजीएसटी का लाइब्रेड आ रहा है ये रहा सर बी द करेक्ट आंसर लाइब्रेडी ऑफ सीजीएसटी और ए जी एस और आईजीएसटी का आई टी लाइब्रेड बचा कितना एट लैख फोर्टी थाउजेंड देखिए सर इस क्वेश्चन को, का, का, का को लेकर अकोमोडेशन का पूरा, -पूरा क्रेड ले लिया इसने एज ए कैजुअल पर्सन रजिस्ट्रेशन करा के ओके okay? क्योंकि रजिस्ट्रेशन करा लिया तो क्रेडिट मिल जाएगा सर आइए मालिक सर कंप्यूट दी आउट आउटवर्ट जीएसटी पेबल इफ एनी ऑन दी वॉटर प्यूरिफायर्स गिफ्टेड बाय ट्रेंट लिमिटेड टू इट्स इन द मंथ ऑफ़ अगस्त सर हमने देख लिया था एम्प्लॉज को जो ने ने गिफ्ट दिए वो थर्टी फाइव थाउजेंड रूप्लॉय था और तो सप्लाई के स्कोप में आता तो so कौन सा है नील द करेक्ट आंसर और इसी के साथ आप बन गए क्या दस करोड़पति क्योंकि दस माह का क्वेश्चन था आपका एक तरह से सर डन स्टडी बेस एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव आई होप यू गोट दर पॉइंट समझे डन तो सर अगर आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन रख के पढ़ाई करते हो तो टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा आइए बच्चों बस ध्यान रखना है क्या छोटी छोटी मिस्टेक का और पता है सर मेरे को क्या लगता है वोट आई थिंक पर्सनली कि स्मॉल स्मॉल मिस्टेक से बचने का सर रास्ता क्या है वोट इज द वे आउट सर ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी स्मॉल स्मॉल मिस्टेक नहीं हो एग्जाम में सर उसके लिए सर सारे पॉइंट एक साथ यहां पर होना बहुत जरूरी है बच्चो दिस इज अ वेरी सीरियस इश्यू ड्यूरिंग द एग्जाम्स कि आप सब पढ़ते हो बहुत कुछ पढ़ते हो पर वो वन एंड हाफ डे में एक तो पूरा रिवाइज नहीं हो पाता है सेकंड थिंग रिवाइज हो भी पाता तो पूरा यहां पर नहीं होता है सर ध्यान रखिएगा वहां पर ये जो आपको हेल्प करेगा जो अपने कंसिस्टेंट बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं सर उसका एक सबसे बड़ा कारण Revision videos भी है सर आप रिविजन को बार बार देखिए जो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किए हैं सर उसकी वजह से आपका पूरा सिलेबस आपके कंट्रोल में आ जाता है आपके माइंड में आपके आंखों के सामने आपका पूरा सिलेबस रहता है अगर उन वीडियोस को आपने दो तीन बार देख लिया तो क्लियर तो उससे क्या होगा जब प्रोविजंस आपके सामने ही रहेंगे जैसे ही कोई पॉइंट आए आपको प्रोविजन क्लिक कर रहा है समझे बहुत फास्ट होना चाहिए सर प्रोविजन रिकॉलिंग शुड बी वेरी फास्ट तो आपके जो इस तरह के क्वेश्चन है वो बहुत इजीली और फास्ट सॉल्व होंगे सर और टाइम भी कम लगेगा आपको आइए बच्चों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर की तरफ सर फाउंडेशन अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर ट्वेल्व एबी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन ऑन्स एंड मैनेजेस अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड धर्मशाला गोविंदम जय श्री कृष्ण इन दिस ऑफ अ टेम्पल इन हरिद्वार वाह सर सिंग्स ऑफ अ टें हरिद्वार के अंदर एक मंदिर है धर्मशाला है सर वो निविदता फाउंडेशन चलाता है पीरियड फ्रॉम अप्रिल टू सेप्टेंबर ओके सर रेंट आया है देखो सर कितना आया रेंट ऑफ रुपीज ट्वेंटी फाइव लैक फ्रॉम रेंटिंग ऑफ रूम एट रुपीज वन थाउजेंड पर डे सर यहां पर थोड़ा सा इस पॉइंट की वजह से आंसर में गड़बड़ होने वाला है सर पर पांच में रुकी पहले क्वेश्चन पढ़ते हुए बताता हूं कि आंसर में यहां पर आरटीपी में क्या गड़बड़ हो रहा है रुकी अभी आप सेकेंड रेंट ऑफ रुपीज नाइन लैक फ्रॉम रेंटिंग ऑफ पार्टी लॉन्स फॉर मैरिज एंड सोशल फंक्शन एट रूपीज नाइन थाउजेंड पर डे थर्ड डोनेशन ऑफ रुपीज ट्वेंटी लैक्स इंक्लूडिंग वन डोनेशन ऑफ रुपीज फिफ्टीन लैक् रिसीव विद स्पेसिफिक डायरेक्शन टू एडवर्टाइज द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ दी डोनर भाई साहब तो ऐसे केस में डोनेशन नहीं है फीस है एडवर्टीजमेंट की सर ये क्या बोलता है मेरे बिजनेस का आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा तब जाके मैं पंद्रह लाख रुपए आपको डोनेशन के कर देंगे साहब तो पंद्रह लाख रुपए भले ही नाम डोनेशन का है पर डोनेशन नहीं है दैट इज अ अंसिडरेशन फॉर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज क्लियर है सर तो ये डोनेशन की स्कोप में नहीं आएगा पंद्रह लाख रुपए इज इज टैक्सेबल इट अ फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ओके पूछा क्या है क्वेश्चन है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गोविंदम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर ये तीन ट्रांजैक्शन दे रखे हैं उसमें से टैक्सेबल सप्लाई क्या है एग्जाम कौन सा ये आपको निकालना है कुल मिला के सर पहली बात ये मैं यहां से शुरू करता पंद्रह लाख का, का डोनेशन जिस डोनर ने दिया उसने कि मेरा का आप करोगे तो मैं आपको डोनेशन डोनेशन एक्सेप्ट किया गया तो सर हमने सर्कुलर भी हुआ है और आपको पता भी है कि डोनेशन का नाम डोनेशन है पर डोनेशन नहीं एक्चुअली इसलिए सर्विस क्लियर इस पर टैक्स लगेगा आउट ऑफ ट्वेंटी रेंट ऑफ रुपीज नाइन फ्रॉम रेंटिंग ऑफ पार्टी फंक्शन एट रुपीज नाइन थाउजेंड पर डे और आपको पता है क्या सर दस हजार रुपए टेन थाउजेंड और मोर देन रुपीज टेन थाउजेंड पर डे अगर कम्युनिटी हॉल का चार्ज होता है तो ही वो टैक्सेबल होता है सर दस हजार से कम अगर अमाउंट है दैट इज एक्सम फ्रॉम जीएसटी या फिर नाइन भी पर डे लिया हुआ है तो ये भाई साहब क्या हो गए प्योरली एग्जेट हो गए साहब साहब ओके भाई पॉइंट नंबर पूरा ही क्या है है क्योंकि इसने पर डे नाइन थाउजेंड रुपी लिया है और टेन थाउजेंड से कम अगर अमाउंट होता है पर डे तो वो एग्जेम रहता है नेक्स्ट ध्यान से रेंट ऑफ रुपीज ट्वेंटी दिल और दिमाग दोनों इधर ही होने चाहिए बेटा समझे दिल इधर उधर हुआ तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और दिमाग उधर उधर रहा तो ये पॉइंट समझ नहीं आएगा सर रेंट ऑफ रुपीज ट्वेंटी फाइव लैख फ्रॉम रेंटिंग ऑफ रूम्स एट रुपीज वन थाउजेंड पर डे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा सर एक हजार रुपए पर डे अब सर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है सर वो लेस देन रुपीज वन थाउजेंड था अप टू रुपीज वन थाउजेंड था मोर देन थाउजेंड था सर क्या था बताता हूं मैं तुम्हें सर रेंटिंग ऑफ प्लेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक ऑन मैनेज बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड सेक्शन ट्वेल्ल ए बी ऑफ इनकम टैक्स एक्सम होता है पर एक्सेप्शन दिया है क्या अगर रूम रेंट रेंटिंग ऑफ रूम्स अगर द, एक हजार रुपए या उससे ज्यादा है वन थाउजेंड और मोर देन रूपीज वन थाउजेंड पर डे है तो टैक्सेबल होगा क्लियर तो सर अगर हम स्पेसिफिकली रिलीजियस प्लेस की बात कर रहे हैं अगर हम तो वहां तो लिखा है कि एक हजार या उससे ज्यादा अगर रेंट होगा तो टैक्स लग जाएगा ओके okay, अब मैं सर दूसरे पॉइंट की बात करता हूं आपको अगर याद हो तो होटल अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड बाय सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होटल, इन गेस्ट हाउस क्लब कैंपसाइट साइट बाय वट एवर नेम कोल्ड वेयर कंसिडरेशन चार्ज वेयर वैल्यू ऑफ सप्लाई जो आपसे चार्ज किया है सर पर डे पर रूम इज अप टू तो सर वो एग्जेट होगा अप अपटू रुपीजन पर डे और इक्विवेलेंट तो ऐसे केस में जीएसटी एग्जेट रहेगा मतलब अगर आप होटल में रुकेंगे बेटा होटल इन गेस्ट हाउस क्लब केम साइड बाई वोट एवन एम कोल्ड तो उसमें अपटू रुपीज वन थाउजेंड एग्जेट है मतलब एग्जेक्टली अगर रुपीज वन थाउजेंड पर डे भी रेंट है तो टैक्स एग्जाम है पर अगर आप वो रिलीजियस प्रेसिंग्स वाले पॉइंट को देखेंगे गर, अगर आप तो उसमें लिखा है क्या बिलो रुपीजन थाउसेंड है और मोर देन वन थाउजेंड है तो टैक्स लगेगा सर ये मैंने दोनों पॉइंट आपको बताया अब यहां पे क्या अप्लाई करना है वो समझते हैं सर होटल अकोमोडेशन में अप टू रुपीज वन थाउजेंड पर डे एग्जाम एंड सर

अगर मैं होटल अकोमोडेशन वाला पॉइंट देखता हूं सर्विसेज बाय होटल इन गेस्ट हाउस क्लब केम साइड बाई वॉट नेम कोल्ड बाय वॉट नेम नेमकोल्ड इस पे सर्विस टैक्स के टाइम पे जजमेंट भी आया हुआ है मैंने लेक्चर में बताया भी आपको तिरुपति तिरुमला देवस्थानम नाम से जजमेंट आया हुआ है जिसमें कहा गया है क्या धर्मशालाओं को भी इस पॉइंट के अंदर कवर किया जाएगा एंड सर धैन देना यहां पे लिखा है क्या अब टू रुपीज वन थाउजेंड अगर रेंट है पर डे का तो जीएसटी एग्जेम है तो सर आप मुझे बताइए अगर मुझे किसी एक पॉइंट में एग्जीशन नहीं मिल रहा है पर मेरे को किसी दूसरे पॉइंट में एक्जिमिशन मिल रहा है स्टूडेंट आई क्लेम दैट एग्जीमिशन करेंगे ना सर अरे मेगा एग्जीबिशन लिस्ट में सो से ज्यादा पॉइंट दे रखे हैं सर मैं सारे पॉइंट चेक करूंगा कि मैं किसी पॉइंट में कवर हो रहा हूं क्या अगर मैं किसी पॉइंट में कवर नहीं हूं कोई बात नहीं इसमें भी कवर नहीं कोई बात नहीं इसमें भी कवर नहीं कोई बात नहीं।, नहीं किसी भी एक पॉइंट में अगर मैं मैं कवर हूं तो पॉइंटीबिशन क्लेम करूंगा ना यार इसलिए सर ध्यान दीजिएगा धर्मशाला हो या अधर्मशाला हो एक हजार रुपए पर डे अगर रेंट होता है अब टू रुपीज वन थाउजेंड पर डे रेंट अगर है तो जीएसटी है क्लियर समझे मेरी बात इसलिए सर यहां पर ये वन थाउजेंड पर डे जो है अगर हम स्पेसिफिकली वो रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस वाला पॉइंट देखेंगे तो वहां तो टैक्सेबल है पर ये उस पॉइंट में एग्जाम नहीं है दूसरे पॉइंट में होटल अकोमोडेशन वाले पॉइंट में एग्जाम हो तो जाएगा एंड सर इन माई हम्बल ओपिनियन इट इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी एंड नो जीएसटी शुड बी चार्ज इन दिस केस ऑल्सो इसलिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें सर इस क्वेश्चन ने बोला है कि बताओ इसका टैक्सेबल सप्लाई क्या है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या है तो ये पूरा एग्जिमट है ये पूरा एक्जिम हो गया सर वो होटल वाले पॉइंट की वजह से और इस थर्ड पॉइंट में से केवल well, 15 लेख इज टैक्सेबल तो मेरा आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए फिफ्टीन लेख इज द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन केस ऑफ गोविंदम चैरिटेबल ट्रस्ट क्लियर तो सर 15 लेग आप देखिए कई ऑप्शन में है क्या कहीं नहीं है सर इन्होंने जो आंसर दिया है उसमें डी को करेक्ट आंसर माना है फोर्टी लेख रुपयी सर फोर्टी लेख कैसा है बेटा ये 15 लेग प्लस ये 25 फाइव लेख भी ऐड कर दिया हाँ है ना सर जो मेरे हिसाब से सही नहीं है अगर मेरा कोई क्लाइंट होगा या आपका भी कोई क्लाइंट होगा या देश में किसी भी सर कंसल्टेंट का क्लाइंट होगा तो उसके लिए वो टैक्सेबल सप्लाई तो इतना ही होगा पच्चीस लाख में कोई टैक्स पे नहीं करेंगे इसलिए इन माय ओपिनियन ठीक है एरर हो गया होगा बेटा थोड़ा सा हो जाता है एरर ऐसा कोई दिक्कत नहीं वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग पर आप एग्जामिनेशन के लिए भी ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन के लिए भी ध्यान रखिएगा पंद्रह लाख ही करेक्ट आंसर है ओके okay? अच्छा आप बोलेंगे सर अब हम आपकी बात माने की आईसीआई आरटीपी की बात मान मानने सर एग्जाम्स के लिए जो सही है उसकी बात माने ना सर सर ऐसा नहीं कि आरटीपी के अंदर गलती नहीं हो सकती गलती हो सकती है यार ह्यूमन बींग है सर जो आरटीपी का सोल्यूशन दे रहे हैं वो भी तो ह्यूमन बींग है यार गलती हो सकती है सर जीएसटी नया नया एक्ट आया है सर जरूरी थोड़ी कि हर एक चीज एकदम परफेक्टली लिख दी कभी गलती भी हो सकती है पर अब आपके एंगल से बात करूं सर एग्जाम्स में कहा से आंसर बनेंगे अरे एग्जाम के जब आंसर बनते भाई चार बार चेक होते हैं सर हो गया आरटीपी में मिस्टेक रह गई होगी इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम के आंसर में भी यही आंसर गलत करके देंगे नहीं सर वहां पे आंसर परफेक्टली सोच समझ के चार बार वेरीफाई करके फिर आपके आंसर लिखे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर वहां पंद्रह लाख ही मिलेगा आपको एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो बेटा

Not absolutely alike, but are capable of performing the same function and are commercially interchangeable. Shortcut. Similar goods, although not alike in all respect, okay, have like characteristics and like component materials which enable them to perform the same function and to be commercially interchangeable with the goods being valued having regard to the quality, reputation, and the existence of the trademark. <laughs>

सर वो प्राइस ले सकते हैं इसलिए कंट्री ऑफ ऑरिजिन मस्ट बी द सेम तो ये पॉइंट भी सही है Third, no, 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 no. Goods, दोनों में लिखा है सेम मैन्युफैक्चरर और सम अदर मैन्युफैक्चरर बट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन द सेम कंट्री ऑफ ऑरिजिन इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है तो सर ओनली थ्री इज रॉन्ग सो बी इज द करेक्ट आंसर माहौल

एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन दिसम और जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया वही अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो रोड टेप के लिए आप नहीं और ये भी एलिजिबल नहीं होता रोड टेप के लिए प्रोडक्ट विच आर रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहबिटेड अंडर दॉलिसमेंट प्रोमोट नहीं करेगी इसलिए वो भी एलिजिबल नहीं होता रोटेप के लिए गुड्स हैव बीन टेकन यूज आफ्टर मैन्युफैक्चर सर इंपोर्ट किया आपने और उसको यूज किया आफ्टर मैन्युफैक्चर वो भी एलिजिबल नहीं होता है किसके लिए रोड टाइप स्कीम के लिए इसलिए सर वन टू थ्री फोर चारों ही एलिजिबल नहीं है तो सर डी वन टू थ्री एंड फोर इज द करेक्ट आंसर एंड सर इसी के साथ ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आठ क्वेश्चन दिए थे आपकी आर टीपी में ये खत्म होता है अब इसी के साथ भारत माता की जय अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो दिस Question number 9 is very good question and very, you know, important question also. Sir, question number 9, bolta hai, dhyan sapadna, sir. Bada question hai, bhai 14 Motor Power Limited. Motor Power Private Limited registered under GST is engaged in the business of in the manufacture of five-seater luxury cars. Wow, car manufacturer hai, bhai the cars are manufactured in its factory. लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान यूपी एंड गुजरात ठीक है साहब इसकी फैक्ट्री क्या है राजस्थान, यूपी और गुजरात बिन की फैक्ट्री भाई साहब इट ऑल्सो एंटर्स इन टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग दीज कार वेर इन द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड इन दैल्यूफ़ सप्लाई ओके अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट को यह भाई साहब कार रेंट पर भी देते हैं सर क्लियर और हाँ रेंटिंग ऑफ कार सुनते दिमाग में रिवर्स चार्ज चल रहा होगा सर पर हाँ बताता तो हूं मैं यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करने वाला कौन है बॉडी कॉर्पोरेट है सर मोटर पावर प्राइवेट लिमिटेड इज अ बॉडी कॉर्पोरेट और अगर अधिन बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस देता है ये वाली टू बॉडी कॉर्पोरेट तब जाके रिवर्स चार्ज लगता है भैया यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा फॉरवर्ड चार्ज में खुद की लाइबिटी आएगी सर ओके okay. तो दो काम है भाई साहब के एक तो मैन्युफेक्चर है मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर और एक कार्स करने का काम देते हैं तो तीन जगह फैक्ट्री है राजस्थान गुजरात एंड उत्तर प्रदेश उसमें से गुजरात वाली फैक्ट्री का इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है और उसके रिगार्डिंग हमें बात करनी कि क्या टैक्स लाइव आएगी और क्या क्या ये पूछता हुआ देखते हूँ आगे सर सर ये इन्होंने अपना इंफॉर्मेशन दे रखा है कि इतना पेमेंट किया है इतना रिसिट हुआ है ये कौन से पीरियड के लिए सर फॉर अ टैक्स पीरियड ठीक है किसी भी एक पर्टिकुलर मंथ के लिए इन्होंने ये डिटेल्स दे रखी है सर ओके फॉर अ टैक्स पीरियड गुजरात वाली फैक्ट्री के लिए इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखा है ओके मालिक सर पेमेंट और रिसीट दे रखी है रिसीट के अंदर सेल्स दे रखा है कार रेंटल इनकम दे रखी है एंड इनकम फ्रॉम सर्विसेज प्रोडक्ट टू गुजरात गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन दे रखी है ओके ये इनकी होगी रेवेन्यू साइड एक्सपेंसिव साइड में रॉ मटेरियल्स रेंट पेड कंज्यूमेबल्स सिक्योरिटी सर्विसेज जनरल इंश्योरेंस ऑफ कार्स मैन्युफेक्चर्ड इनका क्रेडिट मिलता है बेटा याद आया सर इंश्योरेंस सर्विसेज अगर आप सर अगर आपको कार का क्रेडिट मिलता है तो इंश्योरेंस सर्विस का भी क्रेडिट मिलेगा या अगर आप कार के मैन्युफैक्चरर हो या इंश्योरेंस कंपनी हो तो इंश्योर्ड कार का या जो आपने कार मैन्युफैक्चर करी है उसके रिगार्डिंग इंश्योरेंस अगर आपने लिया तो क्रेडिट मिलता है सर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ऑडिट फीस बैंक चार्जेस मेंबरशिप ऑफ ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ओके ये परचेज रखे अब इन सब के बारे में एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया

सर पहले देख लो आप करना क्या है तो माइंड आपका चलता रहेगा डायरेक्शन में कंप्यूट दी टोटल आईटीसी अवेलेबल विथ मोटो पावर प्राइवेट लिमिटेड फॉर द गिवन टैक्स पीरियड एंड नेट जीएसटी पेबल सी जीएसटी एस जीएसटी और आईजीएसटी एस द केस में भी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बाय मोटो पावर प्राइवेट लिमिटेड फॉर द गिवन टैक्स पीरियड ओके तो कुल मिला के अपन को आईटीसी कितना अवेलेबल है वो देखना है कितना लाइविटी वो देखना है और कितना आईटीसी आपको यूज करना और रिमेनिंग कितना पे करना है क्लियर ये आपको देखना है नोट दे रखा है सर नोट क्या सी एस एसजीएसटी एंड आई जी टी रेट्स ऑन ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज सप्लाइज नाइन एंड रेस्पेक्टिवलीफ कार्स वेर इन सी जी एस टी एस जी एस टी एंड आई जीसी रेट्स आर टू पॉइंट फाइव परसेंट टू पॉइंट फाइव परसेंट और इंटरेस्ट अगर है तो फाइव परसेंट रेस्पेक्टिवली इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन सप्लाइंग द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर एनी मोटर वेहकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स वेर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इंक्लूड किया था सर इन दंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम सर्विसबल इनपुट टैक्स इज नॉट अवेलेबल एक्सेप्ट क्रेडिट ऑफ दी इनपुट सर्विस इन दी सेम लाइन ऑफ बिजनेस मतलब रेंटिंग और मोटर वेहकल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेंटिंग और मोटर व्हीकल सर्विस अगर मैंने लिए तो उसका आईटीसी मिलेगा बाकी किसी भी इनपुट इनपुट सर्विस का मेरे को, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि वहां रेट ऑफ टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट है

ज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ आई टी सी ओके भगवान तो सर अपने को अब ये इन्फॉर्मेशन दे है अब पता है यहां पर देखिए ये नोट और दे रखे दस नोट और दे रखे बेटा यहाँ तक दे रखे ना सर ये सब नोट में बताया क्या लिखा है ये जो आप ये जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी इन सब का ब्रेकअप दिया है भाई इनके बारे में कुछ ना कुछ एडिशनल पॉइंट है पर हम एक काम करते हैं एक एक पॉइंट लेते हैं और हम हमारा कैलकुलेट करते रहते कि आई मिलेगा कि नहीं मिलेगा मिलेगा तो कितना मिलेगा सर क्लियर तो वो हम हमारा टेबल एक तैयार कर लेते हैं सो देट हमारा वर्किंग चालू रहे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे पास काफी हद तक सोल्यूशन हमारे हाथ में रहे बेटा ओके okay? तो सर हम टेबल शुरू करते हैं सर आओ सर एंड में आते हैं टेबल बना लेते हैं सर एक मस्त वाली ओके सर यहां पर आए थे हम एंड हम अभी यहां पे देख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल इनपुट इनपुट टेस्ट कितना मिलने वाला है हम वो देख रहे हैं सर कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी ओके सर सी जी एस टी एस जी एस टी आई जी एस टी एंड टोटल टोटल का कॉल हम नहीं बनाएंगे चल जाएगा सर यहां पर लिख दीजिए वैल्यू ऑफ सप्लाई जिसको मल्टीप्लाई करके हम जिससे रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई करके हम आई टी सी का अमाउंट निकालेंगे सर एंड यहां लिख दीजिए पर्टी क्यूलर ठीक है मालिक तो इससे आपका आ जाएगा हम कैलकुलेट करेंगे कि हाउ मच आई टी सी इज अवेलेबल ओके okay, अगर आपके पास बुक हो बेटा तो हाथ में ले लीजिए क्योंकि सर यहां नोटपैड भी लिखना और बुक के अंदर पढ़ना साथ में पॉसिबल नहीं हो पाएगा एक ही स्क्रीन में क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा उसमें आपको भी डिस्टर्ब होगा सर देख लो सर शुरुआत हमने करी थी क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है सर क्वेश्चन नंबर नाइन मोटो पावर ओके तो सर आप अपनी बुक आपके पास अगर आरटीपी हो पीडीएफ वो ओपन कर लीजिए सर मैं यहाँ पे सोल्यूशन करता जाऊंगा मेरे पास हार्ड कॉपी में आरटीपी है सर ओके मैं वहां देखता जाऊंगा तो मोटर पावर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज इन जी मैन्युफैक्चर ऑफ फाइव मैनुफेक्चर मोटर कार ओके ये मैनुफेक्चर है मोटर वाइक का प्लस रेंट और प्रोवाइड करते सर ये लोग और फॉलोइंग डिटेल्स उन्होंने प्रोवाइड करी हुई फॉर गुजरात फैक्ट्री फॉर इट्स फैक्ट्री लोकेटेड इन गुजरात ओके सर ये रहा इंफॉर्मेशन आप सर यहां पे जो इंफॉर्मेशन दे रखा है सर एक एक पॉइंट यहाँ पर रॉ मटेरियल्स मैं जैसे पहला पॉइंट पढ़ूंगा फिर आपको बुक में देखना पड़ेगा चार पॉइंट फोर पॉइंट फाइव लैक का रॉ मटेरियल्स वर्थ रूपीज फिफ्टी थाउजेंड परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड लोकेटेड इन गुजरात इट सेल्फ वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर इन द फैक्ट्री एंड दस कुड नॉट बूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और आपको पता है ंग रो मोटीटेड इन महाराष्ट्रिंग रो मॉडल मतलब आउट ऑफ फोर पॉइंट फाइव लेकिन जो परचेज थे आपने वो महाराष्ट्र से कर, करे हम गुजरात की, की बात करें गुजरात फैक्ट्री की बात करें महाराष्ट्र से परचेज किया मतलब इंटरस्टेट परचेज हुआ है इंटरस्टेट परचेज हुआ मतलब ये आई जी एस टी पे किया होगा आपने और आई जी एस टी अगर पे किया होगा तो भाई साहब क्या करना होगा

फोर लेख जिसपे आई टी मिलने वाला है ये इंटरेस्ट परचेज किया हुआ है रेट ऑफ टैक्स है कितना परसेंट जल्दी से कैलकुलेट करो फोर लैख इंटू एटीन परसेंटी टू थाउजेंड इज दी सी अमाउंट ओके रेंट पेड सर अब आप आपके पास जो पीडीएफ है या प्रिंट आउट है उसमें देखिए आप आरटीपी सर रेंट पेड ऊपर टेबल में है वन लाख रुपये दिल थाम के देखिएगा अगेन बड़ा अच्छा पॉइंट है सर नोट में पॉइंट नंबर टू दे रखा है रेंट हैज बीन पेड फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग लोकेटेड इन राजस्थान टू इट्स ओनर रजिस्टर्ड इन राजस्थान भाई साहब यहां पे जो दे रखे हैं वो गुजरात के दे रखे हैं हमको जो क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दिया उसने दिया कि इसका फैक्ट्री राजस्थान में भी है गुजरात में भी है और सर मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश में भी है सर अब तीनों जगह फैक्ट्री है ये रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो ऑब्वियसली राजस्थान उत्तर प्रदेश और गुजरात तीनों जगह है जीएसटी गुजरात। गुजरात में रजिस्टर्ड है लोकेटेड होगी उसके लिए आईटीसी लेना है अब उसके परचेज ऑफ रूपीजन लेख एंड फॉर राजस्थान फैक्ट्री और राजस्थान की फैक्ट्री का टैक्स सॉरी राजस्थान फैक्ट्री का रेंट उसने राजस्थान के ही बिल्डिंग के ओनर को दिया है अब आप बताइए जिसने बिल्डिंग रेंट पे दी है वो राजस्थान का है सप्लायर सप्लाई सर्विस इज इन राजस्थान प्लेस ऑफ सप्लाई भी सर्विसेज इन रिलेशन टू इम प्रॉपर्टी जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड होती है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है मतलब राजस्थान इज द प्लेस ऑफ सप्लाई सी जी एस टी और एस एस टी लगेगा सब अब उसने सी जी एस टी और एस टी लगा होगा राजस्थान का प्लेस ऑफ सप्लाई लिखा होगा राजस्थान का और सर ये हम जो कैलकुलेशन कर रहे हो कर रहे हैं गुजरात के लिए अब आप मुझे बताओ गुजरात की फैक्ट्री वाले को राजस्थान की फैक्ट्री का कोई आईटीसी मिलेगा क्या भाई साहब आंसर इज नो नोर अगेन ये छोटा सा एरर मेरी ओपिनियन में सर ICA की आरटीपी में कर रखा है इन्होंने क्या किया हुआ है राजस्थान की जो ये फैक्ट्री इन्होंने रेंट पे ली वन लेख की उस पर नाइन परसेंट सी जी एस टी नाइन परसेंट एस जी एस टी नाइन थाउजेंड सी जी एस टी नाइन थाउजेंड एस जीएसटी का आई टी सी ले रखा है जो इन माई हम्बल ओपिनियन रेंट वन लेख कोई आई टीसी नहीं मिलना चाहिए कोई आई टी नहीं मिलना चाहिए रीजन बिंग हम गुजरात में हैं गुजरात वाले को राजस्थान का आई पहली बात तो मिलेगा ही नहीं दूसरी बात राजस्थान फैक्ट्री का क्रेडिट राजस्थान फैक्ट्री वाला लेगा ना भाई गुजरात वाला क्यों लेगा सर क्योंकि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपको पता है मेरा राजस्थान में भी रजिस्ट्रेशन है गुजरात में भी रजिस्ट्रेशन है राजस्थान का क्रेडिट राजस्थान को मिलेगा गुजरात को मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता ऐसा थोड़ा रेंट अगर गुजरात वाला पे करा तो क्रेडिट भी गुजरात वाला ले लेगा नॉट पॉसिबल सर और सेकंड थिंग ये तो सर्विसेज का प्लेस और सप्लाई ही राजस्थान है उसने बिल पे सीजीएसटी और एसजीएसटी राजस्थान का लगाया है हाउ दे कैन क्लेम द क्रेडिट इन गुजरात इसलिए सर आईसीएआई के आरटीपी ने एक छोटा सा गलती यहां पर भी कर दिया है कि उन्होंने यहां पर भी नाइन सीजीएसटी नाइन एसजीएसटी का आईटीसी ले लिया जो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए उसका जस्टिफिकेशन मैंने आपको दे दिया ठीक है एरर हो गया है सर ओके कोई दिक्कत नहीं है परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको शायद लॉजिक भी समझ में आ गया पूरा आइए बच्चों सर नेक्स्ट जो टेबल में पॉइंट दे रखा दे रखा कंज्यूमेबल्स का कंज्यूमल्स वन पॉइंट फाइव लेकर अब इस पॉइंट के बारे में यहां पे डिस्कशन नहीं दे रखा नीचे किसी एक नोट में पॉइंट दे रखा था बात करेंगे इसको पेंडिंग रखते हैं सर अब हम नेक्स्ट पॉइंट सर सिक्योरिटी सर्विसेज सिक्योरिटी सर्विसेज है सेवेंटी थाउजेंड की ओके मालिक पढ़ो एक बार नोट क्या दे रखा है पॉइंट नंबर थ्री पेमेंट फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज सर्विसेज़ प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ़ सिक्योरिटी पर्सनल फॉर टैक्स पीरियड हैज बीन मेड टू सेफ एंड सिक्योर सोल्यूशन प्राइवेट लोकेटेड इन गुजरात एंड नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी सर जैसे ही आपने सिक्योरिटी सर्विस देखा होगा दिमाग में रिवर्स चार्ज चल रहा होगा कि हमने सिक्योरिटी सर्विस ली है सर वी आर रजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो सर रिवर्स चार्ज लगेगा पर अगर ना आपको बताता हूं मैं सिक्योरिटी सर्विस में रिवर्स चार्ज तभी लगता है इफ सर्विस सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस सप्लायर खुद अगर एक कंपनी है तो सर वो खुद समझदार आदमी है साहब वो अकाउंट्स मेंटेन कर लेगा सब सर रिकॉर्ड्स प्रॉपर रख लेगा वो टैक्स पे कर देगा इसलिए बाहर रिवर्स चार्ज नहीं लगाया सर अदर देन अगर बॉडी कॉर्पोरेट होता है सर्विस सप्लायर और रेपेंट अगर रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज लगता है नो डाउट रेसिपेंट रजिस्टर्ड है जीएसटी में पर यहां पे सप्लायर भाई साहब कौन है कंपनी है सर यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा अब फॉरवर्ड चार्ज लगेगा तो कंपनी खुद टैक्स पे करेगी अब पर यहां पे लिख दिया क्या सेफ एंड सिक्योर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी लोकेटेड इन गुजरात है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है सर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो टैक्स पे किया ही नहीं होगा टैक्स पे किया ही नहीं होगा तो क्रेडिट मिलेगा भी नहीं सर समझे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा सेकंड थिंग रिवर्स चार्ज भी नहीं लगेगा क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करने वाला एक कंपनी है सर ओके okay, बच्चों अब वो रजिस्टर्ड है नहीं है उससे कोई कंसर्न नहीं है रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा सर नेक्स्ट जनरल इंश्योरेंस ये लो साहब ये इंश्योरेंस नंबर फोर बोलता है क्या जनरल इंश्योरेंस सर्विस है डिडेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रजिस्टर आपको पता है जनरल इंश्योरेंस ऑफ कार्स मैन्युफेक्चर्ड कार मैनुफेक्चर ने अगर इंस्योरेंस सर्विस लिए तो उसको क्रेडिट मिलेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ कार्स मैनुफेक्चर बाय द्लियर सर सेक्शन नंबर सेवनटीन सबसे क्लोज नंबर ए के अंदर सर एक्सेप्शन दिया ना भाई क्रेडिट मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है सर क्लोज नंबर बी के अंदर ओके क्लोज नंबर ए क्लोज नंबर डबल ए और क्लोज नंबर ए बी क्लोज नंबर ए बी के अंदर ये वाला पॉइंट दिया हुआ है सर पे एक्सेप्शन दिया है कि मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल अगर आप हो या आप अगर एक इंश्योरेंस कंपनी हो तो आपको क्रेडिट मिलता है कोई दिक्कत नहीं सर तो यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा अब जनरल इंश्योरेंस ऑफ कार था कितना टू पॉइंट फाइव एक और जो सर्विस सप्लायर वो भी गुजरात का हम भी गुजरात के तो सर टू पॉइंट फाइव लेकिन सी जी एस टी नाइन परसेंट एस जी एस टी भाई साहब ट्वेंटी टू थाउजेंड 500 इज द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लायबिलिटी रेस्पेक्टिवली ओके मालिक सर नेक्स्ट क्या है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अच्छा अमाउंट कितना था सर 1.6 लाख वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हैव बीन यूज्ड बाय द कंपनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फाउंडेशन ऑन विच मशीनरी टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज टू बी माउंटेड परमानेंटली और आपको पता है क्या अगर किसी मशीन का प्लांटर मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए या फाउंडेशन बनाने के लिए आपने कोई वर्क कॉन्ट्रेक्ट सर्विस लिए सीमेंट स्टील वगैरह लिया है कोई दिक्कत नहीं आईटीसी पूरा मिलता है साहब एंड पे लिखा है क्या वक्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हैव बीन बाय द कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फाउंडेशन ऑन विच मशीनरी टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस इज टू बी माउंटेड परमानेंटली ओके अब सर 1.6 पॉइंट का सर्विसेज था अब सुनना बच्चों ध्यान से अगेन सर्विस इन रिलेशन टू इम प्रोपर्टी बेटा तो जहां सर्विस प्रोवाइड करी वही प्लेस ऑफ सप्लाई है प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया गुजरात अब सर्विस सप्लायर कहां का है ये नहीं दे रखा तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं इसके अंदर कि सर्विस सप्लायर भी गुजरात का होगा प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुजरात है सीजीएसटी और एस जी लगाएगा अब इसके अंदर आप चाहे तो देखिये सिंस क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया है कि सर्विस सप्लायर गुजरात का है कि महाराष्ट्र का है कि कहा का है तो हम तो ये मान लेते हैं सर गुजरात का ही होगा सीजीएसटी जी एस टी और एजीट लगाई अब इसके इसमें दोनों आंसर सही होंगे सी और एस दोनों आई जी एस लगा तो वो भी लगा सकते हो सर आप सर तो आप कर लीजिए इन टू नाइन परसेंट कितना होता है फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड अब आर टीपी का सोल्यूशन में सीओ रेस लगाया कि आई लगाया अभी को नहीं पता है पर यस आप दोनों लिखेंगे दोनों में से कुछ भी लिखिए आई जिस्ट लगाते हो तो भी सही आएगा सीओ रेस लगाते हो तो भी सही आएगा क्योंकि एजुप्शन बेस आंसर हो जाएगा इसका सर्विस सप्लायर कहा का ये नहीं दिया इसने क्वेश्चन आई है बच्चो देन नेक्स्ट क्या ऑडिट जिसके लिए हम सब पढ़ाई कर रहे हैं भाई ऑडिट बेस Audit 50,000 fees are audit fees is paid to Messrs Pandya and associates registered in West Bengal with an aggregate turnover of rupees 30 crores in the preceding financial year. Wow, bhai, wow. For conducting the statutory audit of the company in the preceding financial year. Okay. The firm raises an e invoice without IRN. इनवॉइस रेफरेंस नंबर नहीं है सर फॉर दी सेड सर्विसेज सर दि से जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी आप एलिजिबल हो पर सर्विस <coughs> सप्लायर जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी ऑफ दी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स एक्सीड करता है ट्वेंटी करोड तो उन लोगों को इनवॉइस इश्यू करना कंपलसरी है विथ आई पर सर आपने अगर जिनको ई इनवर्स इश्यू करना कंपलसरी है, embedded invoice reference number, उन तो हम नहीं किया पर जो हमारे पंड्याट जो सी एफ एम है उन्होंने जो बिल इश्यू किया है भाई साहब उसमें आयर नहीं लिखा है सर इनवॉइस रेफरेंस नंबर नहीं है मतलब ये ई e इन्वेस्ट नहीं माना जाएगा और ये ई e इन्वेस्ट नहीं माना जाएगा मतलब इन्वोय ही नहीं माना जाएगा और बिना के तो आपको पता है क्रेडिट मिलती नहीं है ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है साहब इसलिए कोई आई टी सी नहीं मिलेगा अच्छा यहाँ पे टोटल वाले कॉलम में टोटल कर दीजिए सर आप टोटल लिखते जाइए मैंने नहीं लिखा है लिख दीजिए ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेंटी ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड सर ये फोर्टी फाइव थाउजेंड टोटल ये 28800 ओके okay, मलिक चलिए सर ऑडिट फीस का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा रिगार्डिंग रीजन बिंग सर इन्होंने क्या किया है बदमाशी करी है सर ई इन्वॉइस नहीं लिखा है सर मतलब आयर नंबर नहीं उसमें, है उसमें इसलिए उसको इन्वॉइस नहीं मानेंगे नेक्स्ट बैंक चार्जेस आर टूवर्ड्स वेरियस सर्विसेज बैंक चार्जेस आर टूवर्ड्स वेरियस सर्विसेज अवेल्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग अ मंथ विद रिगार्ड टू इट्स करंट अकाउंट मेंटेन विद मनी मनी बैंक रजिस्टर्ड इन गुजरात ओके बैंक का बेटा गुजरात में हम भी का है गुजरात में The bank issued a consolidated tax invoice for all such services at the end of the month containing the details of tax charged, description of services, total value. जीएसटी एन ऑफ द बैंक एंड मोटर पावर प्राइवेट लिमिटेड ओके सर आपको पता है बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को बोल रखा है कि ये चाहे तो मंथली एक सिंगल कंसल्टेड बिल इश्यू कर सकते हैं जिसमें अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन है तो आपको आई टी मिल जाएगा इसलिए वैलिड डॉक्यूमेंट का कोई दिक्कत नहीं इनको आई मिलेगा एंड सर बैंक चार्जेस थे कितने के टेन थाउजेंड के सर और सर बैंक भी गुजरात का मतलब ब्रांच भी गुजरात की और ये भी गुजरात के साहब तो बिल में लगाएगा सी और एस तो सर टेन का 9% 900 सर 900 सीजीएसटी 900 ए जीएसटी टोटल हो गया 1800 ये आईटीसी मिलेगा भाई साहब कोई टेंशन नहीं है सर और बढ़ते आगे अब मेंबरशिप ध्यान से देखिए बड़ा अच्छा पॉइंट है सर अगेन गलती करने के चांस है पूरे इसके अंदर मेंबरशिप ऑफ ऑटोमोबाइल एसोसिएशन उसके लिए कोई बात कही क्या आगे देखते हैं नहीं उसके बारे में कोई बात नहीं कही है मतलब यह है सर अब आपको पता है मेंबरशिप नाम सुनते ही ध्यान आ रहा होगा सेक्शन सेक्शन नंबर सब ब्लॉक क्रेडिट मेंबरशिप ऑफ अ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर इसका आई टीसी नहीं मिलता है वापस सुनेगा, किसका आईटीसी नहीं मिलता है सर सेक्शन नंबर सेवनटीन सेक्शन फाइव क्लोज नंबर बी सर उसका आइटम नंबर थ्री उसमें लिखा है मेंबरशिप ऑफ अ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर सर इन्होंने क्या किया है ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का मेंबरशिप लिया है

ऑटोमोबाइल एसोसिएशन कहा का है साहब सर्विस सप्लायर कहा का है नहीं है तो आप एजेंशन ले सकते हो सी जी और एस वाला है कि आई कुछ भी ले सकते हो सर कोई दिक्कत नहीं सर तो हम तो चलिए यही लिख देते सी जी और एस मान लेते हैं कि एसोसिएशन कहा का है गुजरात का ही है सर ओके अब देखिए इस तरह की आरटीपी में इस तरह के कुछ कुछ छोटे छोटे ब्लेंडर दे रखे सर ओके पर हाँ एट द सेम टाइम लास्ट में लिखा है यू कैन मेक योर सुटेबल एजेंशन एजेंशन लिया सर कोई दिक्कत नहीं है ओके okay, और कुछ अब पॉइंट नंबर एट में क्या दे रखा है ब्रेकअप दे रखा है ब्रेकअप किसका दिल का नहीं भाई द ब्रेकअप ऑफ द सेल्स इज एज अंडर सर अब सेल्स का फिगर देखिए बेटा हमने अब तक देखा जितने भी पेमेंट के ब्रेकअप थे वो हमने देख लिए सारे पॉइंट देख लिए अब सेल्स का ब्रेकअप की तरफ आ गए अब हम सर अभी एक काम करते हैं यहां पर एक और कॉलम बना लेते हैं हम लाइब्रेरी वाला कॉम्पिटेशन ऑफ जीएसटी लाइब्रेटी अगेन यहां पर भी वही कॉलम बना लेते सारे के सारे ये लो साहब यहाँ पे लिख देते है वैल्यू सी एस आई और टोटल यहाँ पर्टिकुल राइटिंग समझ मारी आपको बहुत ही अच्छा बेटा सर ये पार्लियामेंट नहीं लिखा है अच्छा लिख देता चलो ठीक है सर ठीक है सर सेल्स का ब्रेकअप देखा साहब टोटल सेल्स है थर्टी लाख रुपए की ओके ब्रेकअप ऑफ सेल्स सेल्स इन गुजरात फोर्टीन लाख कितना साहब फोर्टीन लाख विद इन द गुजरात सेल है उस पर लगेगा सी जी एस टी और एस जी एस टी सर देखिए साहब कितना आता है वन लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड इज द लाइब्री ऑफ सी जी एस टी वन लाख ट्वेंटी सिक्सउंड दायबरी ऑफ एस जी एस टी आप सर टोटल का कॉलम नहीं बनाएंगे चल जाएगा सर दो लाख बावन हजार इज द टोटल लाइब्री मेरे हिसाब से ये कॉलम की जरूरत नहीं है अननेसेसरी आपका टोटल करने में टाइम और खराब हो रहा है सर अब हम टोटल का कॉलम ध्यान नहीं रखेंगे सर न आपको लिखना है ऊपर भी नहीं लिखेंगे चल जाएगा सर कोई दिक्कत नहीं हमको नहीं चाहिए इसकी जरूरत ही नहीं सर <coughs> सर फिर सेल्स इन स्टेट्स अदर देन गुजरात कितने का भाई

सेल्स वाली फिगर में तीस लाख का ब्रेकअप तो यहाँ पे आ गया है अब कार रेंटल इनकम पचास हजार की सर कार रेंटल इनकम इज ऑफ फिफ्टी थाउजेंड रुपीज सर <coughs> उसने बोला क्या कार रेंटल इनकम पर्टेंस टू रेंटिंग ऑफ कार्स टू कारमाज ट्रेवल्स लिमिटेड वाह नाम भी देखो सर अमेज इज गा जमेज ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड ट्रेवल्स लिमिटेड सॉरी

सेवेंटी फाइव थाउजेंड पर कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा रिमेनिंग सेवेंटी फाइव थाउजेंड पर आप कैलकुलेट कर लीजिए सर बाकी के जो कंज्यूमेबल्स है भाई साहब उसके बारे में कुछ बात कही क्या वन पॉइंट फाइव लेके जो कंज्यूमेबल्स है उसके बारे में कोई बात नहीं कही है सर ठीक है सर कंज्यूमेबल्स के बारे में और कोई बात कही है? क्या ओके फर्दर कंज्यूमेबल्स प्रोक्योर फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स लोकेटेड इन गुजरात ओके मतलब ये बोल दिया है कि सारा ही कंज्यूमर 1.5 पॉइंट फाइव लेकर जो था वो गुजरात से ही परचेज किया था मतलब इंटरेस्टेड परचेज था पर उसमें से 75,000 क्या था डीजल पेट्रोल था सब तो 75,000 का कोई आईटीसी नहीं मिलेगा रिमेनिंग जो 75,000 है उसका 9% परसेंट सी जी एस टी नाइन परसेंट एस जी एस टी आईटीसी मिलेगा या लिख देता हूँ सेवेंटी का ही मिल रहा है तो यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ मैं ठीक है तो आपको ध्यान रखेगा तो क्या आपकी आपके समझ के लिए मैं यहाँ पे लिखा है बस ओके okay, बाकी वर्किंग नोट आपको हमेशा लिखना है एग्जाम्स के अंदर ओके <coughs> डन okay, पर सर कार रेंटल इनकम वापस से पढ़िए कार रेंटल इनकम पार्टनर्स टू रेंटिंग ऑफ कार्स टू जेमेज ट्रेवल्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन गुजरात एंड कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई ओके okay, तो सर कार रेंटल इनकम इनकी दे रखी कितनी फिफ्टी थाउजेंड रुपये की ओके लाइब्रेड साइड की हम बात करें तो सर कार रेंटल इनकम के लिए यहां पर क्वेश्चन के एंड में भी इंफॉर्मेशन देखी की CGST, लगेगा सर एंड फिफ्टी थाउजेंड इन टू टू पॉइंट फाइव परसेंट कम्स टू वन टू फाइव जीरो सी जी एस टी वन टू फाइव जीरो एस जी एस टी इज द लाइब्रेडी पर ध्यान रखिएगा इस वन टू फाइव जीरो को पे करने के लिए कोई आई टी सी आपको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट अगर आपने सेम कैटेगरी ऑफ इन्वर्ट सप्लाई अगर आपने लिया तो पर कार सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इनवर्ट सप्लाई नहीं पूरे क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर टेन सर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गुजरात गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा तो पहले तो रेवेन्यू साइड में रिसीट साइड में एक और इंफॉर्मेशन दे है सेल्स दे रखी थर्टी थर्टी लाख की 30, 30 कार टल इनकम पचास हजार रुपए की इनकम फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गुजरात गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टू पॉइंट फाइव लेकिन तो सर यह लिख देता तो हूं गवर्नमेंट से जो रेवेन्यू आया वो कितना है भाई टू पॉइंट फाइव लेख सरकार यहां पर बोला है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गुजरात गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम ओके ट्रेनिंग प्रोग्राम और आपको बताया जिसका गवर्नमेंट बोन करता है सर्विस दी है, तो जीएसटी पर फिफ्टी वन परसेंट ही बोन किया राजस्थान गवर्नमेंट ने मतलब ये एग्जामिशन के लिए एलिजिबल नहीं है और यहाँ पे पूरे टू पॉइंट फाइव लेख पर जीएसटी लगेगा अब आपने गुजरात गवर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन को सर्विस दी मतलब गुजरात को सर्विस दी तरह से सप्लायर जो आप हो वो गुजरात के प्लेस सप्लाई भी गुजरात हो गया सर इंटरेस्टेड सप्लाई है नाइन परसेंट सी जी एस टी नाइन परसेंट एस जी एस टी लगेगा साहब ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड लाइबडी किसका सी का ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड एस का लाइबडी आ गया बेटा आपका क्लियर डन अब दे रखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ आई टी सी विद दिन फॉर द्लेट इज तो सर आई टी सी का ओपनिंग बैलेंस आप चाहे तो ऊपर नहीं लिखा तो यह लिख दीजिए कोई बात नहीं सर ओपनिंग बैलेंस कितना मालिक गलती से सी का अमाउंट एस में मत लिख देना भाई सी जी एस टी कितना है तो बहुत ध्यान रखेगा <coughs> कई बार क्या होता है आपने यहाँ पे एस जी एस टी लिखा होता है यहाँ पे सी जी एस टी लिखा होता है और क्वेश्चन ने सी जी एस टी पचास हजार लिखा है ट्वेंटी सिक्स तो थाउजेंड एस जी एस टी लिखा आपने उल्टा लिख दिया सब गड़बड़ खत्म सावधान एटी दुर्घटना घटी दुर्घटना से देर भली माहौल के साथ ओके okay, सर ये ओपनिंग बैलेंस आ गया बस कंप्यूटर टोटल आईटीसी अवेलेबल विद मोटो पावर प्राइवेट लिमिटेड फॉर द गिवन टैक्स पीरियड एंड नेट जीएसटी पेबल ओके डन ये हमने सारे इंडिविजुअल पॉइंट का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन का एक एक पॉइंट हमने लिख डाला सोल्यूशन के साथ पर अब यहां पर टोटल आईटीसी टी आप निकाल लेंगे सर इनको टोटल करेंगे आईटीसी निकल जाएगा जिसका आईटीसी नहीं मिला हमने लिया ही नहीं सर सर यहां पे टोटल आपकी लाइब्रेरी आ जाएगी बच्चों क्लियर के अगेंस्ट आप यूज कर लेंगे और बैलेंस आप पे कर देंगे सर अरे है हाँ ना भाई पर यहां गलती जो एक हो रही है सबसे ध्यान नहीं जा रहा है सबका आईसीए का आर में भी सोल्यूशन करते वक्त ध्यान नहीं गया इस एक बात पर कि सर कार रेंटल की जो सर्विसेज है उस पर रेट ऑफ टैक्स है कितना फाइव परसेंट अरे दे रखा ना क्वेश्चन है कि रेट ऑफ टैक्स है फाइव परसेंट टू पॉइंट फाइव परसेंट सी जीएसटी टू पॉइंट फाइव परसेंट और इंटरसिट अगर होता तो होता फाइव परसेंट आई पर साथ में कंडीशन <coughs> क्या भाई कि ये सर्विस प्रोवाइडर को कोई आई टी से नहीं मिलने वाला है नो इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड टू सर्विस प्रोवाइडर एक्सेप्ट सेम कैटेगरी ऑफ इनवर्ट सप्लाई अगर उसने लिया है तो तो सर ध्यान दीजिएगा बेटा जब भी टैरिफ के अंदर अब ध्यान देना बेटा आईसीए ने भी गलती करी हुई है जब भी आईसीए ने मतलब ऐसा तो मदर बोर्ड सर, okay. सरकार मेरा पॉइंट आपसे यह है कि जब भी आपने कोई ऐसा सप्लाई दिया है जिस पर रेट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट ने कम कर दिया और कंडीशन लगा दी क्या आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा तो फॉर दर्पज ऑफ दी पर्पज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट उस सप्लाई को एग्जाम सप्लाई माना जाता है साहब वैसे टेरिफ आपके सिलेबस में नहीं आता है टेरिफ आपके सिलेबस में नहीं आता है टेरिफ का नोटिफिकेशन नंबर सर नोटिफिकेशन जो है टेरिफ के वो आपके सिलेबस में नहीं आते वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई गुड्स या सर्विस जिसके सेल करने पर रेट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट ने कम करी हुई है जैसे पांच परसेंट कर दी साहब पर कंडीशन लगा दिया क्या कि नो आईटीसी विल बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच आउटवर्ड सप्लाईज और गुड्स और सर्विसेज तो ऐसे केस में उस आउटवर्ड सप्लाई के टर्न को एक्सम सप्लाई माना जाता है फॉर दी पर्पज ऑफ आई तो सर पॉइंट रहा है कि यहां पर कार रेंटल का जो आपका टर्न ओवर है पचास इसको एक तरह से एग्जेक्ट टर्न माना चाहिए सर

Many supplies, से जो कॉमन यूज में काम आया अरे मेरा बिजनेस कॉमन है ना मेरा भाई मेरा रेंटिंग ऑफ मोटरवाइकल का बिजनेस भी है एंड मेरा कार मैन्यूफेक्चरिंग का है ऑडिट सर्विस चार्जेस पे किए में ऑटोमोबाइल कंपनी ऑटोमोब एसोसिएशन में सर वक्स कॉन्ट्रेक्ट सर्विस लिए मैंने इंश्योरेंस सर्विसेस लिया मैंने सिक्योरिटी सर्विस लिए सर मैंने रेंट पे टैक्स का मैंने आई ले ही नहीं तो सर कुल मिला जो भी मैंने आई लिया है जो कॉमन यूज आ रहे हैं <coughs> ओपिनियन है में सर प्रपोशनेट आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा देखो यहाँ पे कैपिटल गुड्स के बारे में तो कुछ बोला नहीं है पर इनपुट और इनपुट पे बहुत सारे दे रखे इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा इनपुट स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग में काम आया उसका तो पूरा क्रेडिट लॉक कोई दिक्कत नहीं है पर जो इनपुट और कोई जो इनपुट सर्विस कॉमन बिजनेस के लिए काम आई स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए काम नहीं आई तो उसके लिए आपको प्रोपोर्शनेट रूल नंबर फोर्टी के अकॉर्डिंग एक्सम टर्न ओवर डिवाइड बाय टोटल टर्न ओवर करके प्रोपोर्शन आर टीसी रिवर्स करना पड़ेगा और रिमेनिंग क्रेड आप ले पाएंगे जो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में आईसीआई की आरटीपी में नहीं दिया तो ये मुझे लगता है एक और एरर जो आईसीआई की आरटीपी में दे रखा है वो ये है क्लियर फिलहाल के लिए दो एर इस क्वेश्चन के अंदर हमको मिले एक तो राजस्थान की फैक्ट्री का रेंट गुजरात वाले ने पे कर दिया तो गुजरात के अंदर राजस्थान के टैक्स का क्रेडिट ले लिया जो गलत है सर हमने यहाँ पे काट रखा है और सेकंड प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स होना चाहिए ये फिफ्टी थाउजेंड के टर्न के रेशियो में क्लियर जो इन्होंने नहीं किया भाई साहब ये दो छोटे से एरर मुझे लगते हैं ठीक है सर गलती हो जाती है सर कोई दिक्कत नहीं है पर हाँ सर ये बात मैंने आपको इसलिए ध्यान में लाया क्योंकि एग्जाम में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको इस तरह का गलती नहीं करना है क्योंकि सर भले ही कोई भी बुक हो बेटा भले मेरी बुक हो या एक्सप्रेस कोई भी बुक हो आई से एक स्टडी मटेरियल हो या आर टी पी हो कोई भी बुक हो सर देखो ह्यूमन एरर से और वो होंगे होते भी है सर जीएसटी भी एक नया एक्ट है अभी सर टाइम लगेगा सबको एकदम स्मूथ होने में पर सर एग्जाम्स में आप ये गलती करके सॉरी नहीं बोल सकते क्योंकि वहां तो सीधे मार्क्स ही उड़ने वाले हैं आपके Okay, चलिए सर तो अभी हम प्रपोशनल टर्न ओवर रिवर्सल काम अभी नहीं कर रहे सर जिस तरह से आरटीपी ने किया वो बाकी सोल्यूशन कर रहे हैं बस बस सर बस वो रेंट का हम नहीं ले रहे पर प्रोपोर्शनल क्रिएट होना चाहिए रिवर्स मेरे हिसाब से ओके okay, तो सर देखिए टोटल लाइब्री कितना आ रहा है साहब वन लेख प्लस वन टू फाइव जीरो प्लस डबल टू फाइव डबल जीरो आया मालिक वन फोर नाइन सेवन फाइव जीरो यही इधर भी आएगा वन फोर नाइन सेवन फाइव जीरो एंड वन जीरो एट ट्रिपल जीरो आ गया आपका क्या लाइबिलिटी अरे क्लियर मालिक सर प्रेस ना सर टोटल वाला कॉलम चाहिए नहीं हमको तो रखना भी नहीं सर ओके ये टोटल लाइबिलिटी आ गया अब आईटीसी कितना अवेलेबल है वो देख लेते हैं हम सर चलिए सर आईटीसी का टोटल करिए सर पहले आईजीएसटी का टोटल कर रहा हूँ सेवेंटी टू थाउजेंड प्लस थर्टी फाइव थाउजेंड अरे आप भी थोड़ा सा हाथ लाइए सर अपना सर और आप भी फटाफट -फड़ कैलकुलेशन करिए वन लेख सेवन थाउजेंड आई जी एस टी का आई टी सी देन सर सी जी एस टी का आई टी सी देखिए नाइन थाउजेंड नहीं लेना भाई नहीं लेना है सिक्स सेवन फाइव जीरो प्लस ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड प्लस वन डबल फोर डबल जीरो प्लस नाइन हंड्रेड प्लस नाइन हंड्रेड प्लस ओपनिंग बैलेंस फिफ्टी थाउजेंड नाइन फाइव फोर फाइव जीरो गलती से यहाँ पे भी फटाफट जल्दबाजी में नाइन फाइव नाइन फाइव फोर फाइव जीरो मत लिखना क्योंकि ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस है सर बाकी सब तो देखो फिर भी सेम है ये सेम ये सेम ऑब्वियसली सेम, सेम ही होगा ना सी ओर एस की लाइबडी हमारे बराबर होती है सर तो इसमें से आप चाहे तो माइनस ट्वेंटी फोर थाउजेंड कर दीजिए सर जो डिफरेंस अमाउंट है ओपनिंग बैलेंस का तो सेवेंटी वन थाउजेंड फोर फिफ्टी आई टी सी है एस जी एस टी का सर ये आपका आई टी सी का अमाउंट आ गया है हम इसको यहाँ पे लिख देते सर आई टी सी आई जी एस टी का है कितना वन लेख सेवन थाउजेंड सी जी एस टी का है नाइन्टी फाइव फोर्टी फाइव जीरो इधर सेवेंटी वन फोर फाइव जीरो आपका आई टी सी है अच्छा अब अपने और मैंने मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी पढ़ा हुआ सर सबसे पहले आईजीएसटी जीएसटी का आई कंज्यूम करना है और आईजीएसटी जीएसटी आईटीसी सबसे पहले आईजीएसटी की लाइब्रेरी को पे करने में काम आएगा आई जीएसटी की लाइब्रेरी भाई आईटीसी है कितना 1, 7, तो रिमेनिंग वन लेख का लाइब्रेरी बच गया अब सर आईजीएसटी का एक्स्ट्रा आईटीसी बचा ही नहीं तो सी और एस में यूज करने की बात आती ही नहीं है अब सर सी जी एस टी का लाइब्रेरी है वन फोर नाइन सेवन फाइव जीरो माइनस खुद का आईटीसी सीजीएसटी का आईटीसी पहले सीजीएसटी में काम आएगा सीजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी में काम आएगा सर आगे काम लाइब्रेड बजी फोर थ्री हंड्रेड देन वन फोर नाइन सेवन फाइव जीरो इज द लाइब्रेडी ऑफ एस जी एस टी आईटीसी कितना 71450 वन फोर फाइव जीरो एट थ्री हंड्रेड इज द नेट लाइब्रिटी पेबल इन कैश इन रेस्पेक्ट ऑफ एस जी एस टी Clear? इसी के साथ ये भारत माता की जय होती है अब और सर इसी के साथ ये question पूरा खत्म होता है अब Clear? तो सर जीएसटी पेबल इनका फिफ्टी फोर थ्री हंड्रेड से आपका लाइवी नेट पेबल इन कैश आया है भाई साहब अब आप अगर देखेंगे सर आरटीपी का सोल्यूशन तो आरटीपी के सोल्यूशन में थोड़ा सा फर्क आएगा थोड़ा सा फर्क किसका आएगा सर पता है ये नाइन थाउजेंड का आएगा भाई क्लियर आप देख लीजिए फिफ्टी फोर थ्री हंड्रेड सर उसमें से नाइन थाउजेंड अगर लेस करेंगे तो फोर्टी फाइव थ्री हंड्रेड या आई का आंसर आया है इसमें से अगर नाइन थाउजेंड लेस करेंगे तो सिक्सटी नाइन और ये का 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 रहेगा। इसमें रहा है वो का जो rent का था, जिसका ITC नहीं मिलना चाहिए राजस्थान। राजस्थान भाई राजस्थान में एस जी एस टी गुजरात में कैसे क्रेडिट ले रहे हो आप सर क्लियर राजस्थान में मिलेगा क्रेडिट आपको ओके okay, तो ये क्रेडिट नहीं मिलेगा सेकंड थिंग मैंने यहाँ पर एक और प्रोपोर्शनल आई टी सी रिवर्सल नहीं किया जो होना चाहिए तो, sir, एक तो वाला गेप आएगा, और एक प्रोपोर्शनल रिवर्सल का भी क्रेडिट का आ, सर आपको प्रपोर्शन रिवर्सल करना पड़ेगा इस पर रूम फोर्टी टू एंड रिमेनिंग क्रेड आप ले पाएंगे अभी मैंने फिलहाल के लिए सर ये पूरा ही आई लिया है समझा मेरी बात बच्चों यहां पर जितने भी कॉमन क्रेड है सिंस क्वेश्चन में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है इसलिए मैंने भी इस प्रपोर्शन आई वाले पॉइंट को ओपन रखा है बस आपको बताया है देखो क्या होगा बेटा ये आर टीपी है ड्राफ्ट करने में थोड़ी सी गलती हो सकती है सर पर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जरूर क्वेश्चन आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन सा एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग काम आया कौन सा कॉमन काम आया या इस तरह का कुछ क्वेश्चन बनाएगा ये ये प्रॉब्लम नहीं बेटा आपको आपको क्लियर तो सर यहां पे भी साथ साथ में रिवर्स करना पड़ेगा इसी के तो देख लेते हम या फिर एक काम करें एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे सर एक ब्रेक ले लेते उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सर टेन से हम शुरुआत करेंगे अगले पॉइंट की तरफ पर सर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है ऊपर कर हर मैदान फतेह और ये मैदान फतेह करने का मौका अब आपके पास है ये मैदान फतेह करने का टाइम आपका है और सर ध्यान देना जिंदगी मौका और टाइम बार बार सबको नहीं देती है इसलिए जो आपको टाइम मिला है जो आपको मौका मिला है उसको पूरा यूज करिए अपना पूरी ताकत लगा दीजिए क्योंकि जो आपके पेरेंट्स जो आपके रिलेटिव्स के सपने हैं जो आपके भाई बहन के सपने हैं सर उनको पूरा करने का वक्त आपको आ गया है अभी एनर्जी बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए माहौल बनना चाहिए एंड पूरी एनर्जी एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है ऑल कॉन्फिडेंस वी आर यू डोंट वरी एंड सर ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा जो काम करेगा इस वक्त वो है कॉन्फिडेंस क्लियर इसलिए पढ़ते रहिए मस्त होके पढ़िए खुश होकर पढ़िए एंड स्टे कॉन्फिडेंट माहौल के साथ मिलते हैं अगले सेशन में आरटीपी का एक और पार्ट करेंगे हम उसके अंदर माहौल बाय बाय